नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। स्वागत है आपका खास पेशकश में। मेहर सिविल हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। अस्पताल में दर्जनों डॉक्टर होने के बाद भी यहां सभी ड्यूटी से नदारद रहते हैं और जो मौजूद है वहां सिर्फ इलाज के नाम पर मरीजों को लूट रहे हैं, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बता दें कि समस्या समाधान समिति अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने समिति के पदाधिकारियों के साथ सिविल हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से हालचाल जाना और हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर प्रदीप निगम व जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक को पूरे मामले से अवगत कराते हुए कहा कि अगर जल्द स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई तो समस्या समाधान समिति कड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी और जिसका खामियाजा स्वास्थ्य जिम्मेदारों को भुगतना होगा। आज सिविल अस्पताल का आपने निरीक्षण किया, क्या पाया? लगातार समस्या समाधान समिति कार्यालय में मैयर हॉस्पिटल से मरीजों के द्वारा शिकायत दी जा रही थी कि यहाँ कोई भी डॉक्टर ओपीडी में उपलब्ध नहीं होता है। आज मैंने खुद मौके में निरीक्षण करने पहुंचे तो देखा ओपीडी में कोई कई डॉक्टर दो एक दो छोड़कर कई डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं थे। मौके में जाके उनको जो कमरा सरकार के द्वारा दिया गया उस कमरे में देखे तो जैसे कि बीके गौतम डॉक्टर जो हैं वो अपने कमरे में मरीजों को देख रहे थे। उनके द्वारा साफ कहा गया जब इमरजेंसी होती है हॉस्पिटल में, जब मुझे जाना पड़ता है मैं यहीं रहता हूँ, जब हमारे द्वारा बोला गया उनको भाई आप अपनी जगह में बैठे जिससे मरीजों को देखने में दिखाने में दिक्कत ना जाए, अपनी तकलीफ उनको पहुँचाने में दिक्कत ना जाए, क्योंकि आपके पास आते हैं आप 300 रुपये उनसे लेते हैं और वहाँ 10 रुपये में उनको देखने को होता है। आज सिविल अस्पताल का आपने निरीक्षण किया, क्या पाया? और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जीतू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जीतू, मेहर सिविल हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, क्या है पूरा मामला? काजल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेहर हॉस्पिटल जो है यहाँ पे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है लगभग अगर कहा जाए तो पूरी ठप हो चुकी है। दर्जनों डॉक्टर है यहाँ, लेकिन कोई अपना मतलब सही तरीके से ड्यूटी करने को तैयार नहीं है। निजी क्लिनिक सब चलाने में व्यस्त हैं, जिसके कारण मरीज जो है दवाइयों के इलाज के कारण कई लोग दम तोड़ चुके होते हैं और कई लोगों को सरकारी दवाइयां भी मुहैया नहीं हो पाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इलाज के नाम पर डॉक्टर मरीजों को लूट रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, ये स्वाभाविक सी बात है, अगर जो भी ड्यूटी में डॉक्टर हैं अगर अपने ओपीडी में नहीं मिलेंगे, अपने दफ्तर पे नहीं मिलेंगे, अगर निजी क्लिनिक में रहेंगे तो दवाइयों का अभाव रहेगा और इलाज का अभाव रहेगा। जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी का लगातार अंबार लगा हुआ है, इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस बात को लेकर लगातार खबरों के माध्यम से हम लोग अवगत कराते रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक अवधिया जी को भी कई बार मामले से अवगत कराए, लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही मानी कही जा सकती है, क्योंकि सीएमएचओ साहब कहते हैं हमारे यहाँ सब ठीक है, लेकिन जब हॉस्पिटल में अगर जाकर देखा जाए तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो सफाई प्रभारी है वो सफाई करने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं ये सारी जो कमियां हैं एक लापरवाही की ओर इशारा करती है। इनमें सिविल हॉस्पिटल प्रभारी प्रदीप निगम और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक अवधिया जी की कहीं ना कहीं गलती मानी जा सकती है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक पांडे भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं, तो चलिए उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जी अभिषेक जी, आप बताएं कि मेहर सिविल हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, अभी तक आपको इसकी जानकारी थी? हम लगातार हॉस्पिटल से हमारे कार्यालय में शिकायत आ रही थी कि वहाँ जो भी दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं और जो डॉक्टर हैं जो वहाँ पुराने डॉक्टर जो मरीजों को देखने के लिए उपलब्ध नहीं रहते थे वो अपने कमरे में, जो सरकार के द्वारा उनको कमरा दिया गया था उस कमरे में वो 300 रुपये फीस लेकर देख रहे थे। इसी सभी विषयों को लेकर हम मौके में निरीक्षण करने गए, मौके पर पाए गए डॉक्टर बीके गौतम अपने कमरे में बैठकर जो सरकार के द्वारा दिया गया था वही मरीजों को देख रहे थे 300 रुपये फीस लेके, और उसी टाइम पे उनको हॉस्पिटल में बैठ के मरीजों को देखना चाहिए था।
व्यवस्था जो है स्वास्थ्य व्यवस्था काफी खराब है, तो कितना टाइम हो चुका है इस खराब व्यवस्था को लेकर? ये तो लगातार हम शिकायत जिला स्वास्थ्य अधिकारी से करते आ रहे हैं कई सालों से। इधर की व्यवस्थाएं उनके हाथ में, यहाँ निज निवास मैहर में ही है उनका जिला स्वास्थ्य जो अधिकारी है डॉक्टर अशोक अवधिया, उनके द्वारा कभी भी हॉस्पिटल में निरीक्षण नहीं किया जाता है। उन्हीं की लापरवाही के कारण हॉस्पिटल की ये जो आज व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सिर्फ उन्हीं की लापरवाही के कारण है। अच्छा, हॉस्पिटल में ना दवाई उपलब्ध है, टीटी इंजेक्शन जो होता है वो उपलब्ध नहीं है। एक महीने से लगातार मरीज परेशान है, बाहर से लेकर आना पड़ता है, एक्सरे की जो रिपोर्ट भी बाहर से लेना पड़ता है या मोबाइल में ये लोग उपलब्ध कराते थे। जी, जैसे देखा जाए तो अस्पताल में कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं, आपको इसकी कोई जानकारी है? कितनी दूर दूर से आते हैं पेशेंट? मैहर हॉस्पिटल में पूरे विधानसभा के मरीज आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्थाएं जो लोगों को लगता है कि मैहर में जाकर, मैहर विधानसभा की पब्लिक है जो 110 पंचायत की, मैहर में ही आकर मरीजों को देखने दिखाने आते हैं, पर डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं रहते हैं और रिफर करने का इनका हमेशा का रवैया बना हुआ है। कोई यदि सीरियस मरीज आता है उसे सतना के लिए रिफर कर देंगे, मैहर में देखने वाला डॉक्टर है ही नहीं। जी, आपको ये जानकारी कैसे मिली? मरीजों के परिजन के द्वारा, हमारा ऑफिस है समस्या समाधान समिति कार्यालय मैहर में, वहाँ लगातार शिकायत आ रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने जैसे कि मैहर सिविल हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, और इसी के साथ संवाददाता जीतू भी फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। जीतू, जैसे कि अगर हम बात करें हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है, इसके साथ ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या इसकी जानकारी हॉस्पिटल के प्रबंधक को नहीं है? अभी तक अगर उनको जानकारी है तो अभी तक उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की इस पर? तो मैहर सिविल हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। अस्पताल में दर्जनों डॉक्टर होने के बाद भी यहाँ सभी ड्यूटी से नदारद रहते हैं, और जो मौजूद है वे सिर्फ इलाज के नाम पर ही मरीजों को लूट रहे हैं। तो लगातार संवाददाता जो हैं जीतू हमें अपडेट दे रहे हैं इस हॉस्पिटल की, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जीतू, जैसे कि अगर देखा जाए कि हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहाल है, इसके साथ ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या इसकी जानकारी हॉस्पिटल के प्रबंधक को नहीं है? और अगर उनको जानकारी है तो अभी तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की आखिर? देखिए, मैं बताना चाहूंगी, इसमें सारी जानकारी लगभग जितने भी सिविल हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर प्रदीप निगम है और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक अवधिया है, जिसको लेकर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये सारी जानकारियां इनके तक है, लेकिन सब सारी चीजें नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं के लोग वही सारे काम करने का एक ठेका लिए हुए हैं। सफाई का जो ठेका लिया गया है इन्हीं के लोगों ने लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं नजरअंदाज करना एक इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्हें बाकायदा जो एक बात एक वो की हुई बात है कि हम महीने में इतना आपसे पैसा लेंगे या देंगे, कुछ भी सारी चीजों को लेकर, तो ये लोग आपसे एक पूरी सहमति बना के सारी चीजें कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मैहर सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है, इसके साथ ही अस्पताल में दर्जनों डॉक्टर होने के बाद भी यहाँ सभी ड्यूटी से नदारद रहते हैं, और जो मौजूद है वे सिर्फ इलाज के नाम पर मरीजों को लूट रहे हैं, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बता दें कि समस्या समाधान समिति अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने समिति के पदाधिकारियों के साथ सिविल हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से हालचाल जाना, और हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर प्रदीप निगम व जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक को भी पूरे मामले से अवगत कराते हुए कहा कि अगर जल्द स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गई है तो समस्या समाधान समिति कड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी, साथ ही जिसका खामियाजा स्वास्थ्य जिम्मेदारों को भुगतना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।